मैं हूँ नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि अब जल्द ही नियमावली के प्रकाशन के संबंध में कैबिनेट बैठक की बात सामने आ रही है और कैबिनेट बैठक के बाद नियमावली पर क्या मुहर लगेगी, इस पर संशय की स्थिति है। आज हम सचिवालय पहुँचे थे और हमने ये बड़ा आवेदन दिया कि स्नातक अधिभार मिलना चाहिए। जिस तरह माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश से स्नातक अधिभार जो दिया गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में, और इसके बाद जैसा कि पिछले दिनों आपने बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की बड़ी नियमावली देखी, समसूद होदा स्कूल की, जिसमें 10 अंक स्नातक अधिभार दिया गया, ऐसे में अब सातवें चरण की शिक्षक बहाली में शिक्षा सुधार, ये बड़ी मांग पूर्व से भी कर रहा है और आज भी ये कर रहा है कि स्नातक अधिभार मिलना चाहिए। चक्षु पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका साथी। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो 100% सफलता के लिए पढ़िए चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश आपके स्क्रीन पर, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 गाइड। इस गाइड की खासियत है कि 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ सॉल्वड पेपर भी आपको उपलब्ध कराता है। 100% सफलता की गारंटी। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये पुस्तक बाजार में बिकने वाली अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अब बीएससीबी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाता है जो आपके स्क्रीन पर है, पुस्तकों के संबंध में विशेष जानकारी और आपके फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए संपर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया है, आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले भी हमने कई पुस्तकों के बारे में आपको बताया था, सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड के अलावा सीटेट संस्कृत, और इसी कड़ी में अब चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए गाइड आपके स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीदने के लिए लिंक दिया गया, आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, साथ में बाजार में भी ये पुस्तक उपलब्ध है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज हम सचिवालय के दौरे पर हैं, वर्तमान में शिक्षा विभाग के बिल्डिंग के सामने से ये बड़ा लाइव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं कि कैबिनेट से नियमावली पर मुहर, साथ में कई तरह की बातें कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली। तो आज हम उच्च अधिकारियों से मिले हैं, हमने सभी बातों को पूछा। हालांकि आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग अभी पटना में नहीं है, उनके जगह चुंगवा सर को ये प्रभार दिया गया है और हम यहाँ पहुँचे, उच्च अधिकारियों से हमने वार्ता की और ये पूछा कि क्या सर कल नियमावली पर कोई मुहर लग रही है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, फरवरी तक इस पर कोई भी कार्य होगा। ऐसे में लगातार जो यूट्यूब के माध्यम से भ्रम अपाम अभ्यर्थियों के बीच में परोसा जा रहा है, उस भ्रम को हम साफ कर दें कि अभी वर्तमान में फरवरी से पहले शिक्षक बहाली पर कोई भी नई बात सामने नहीं आएगी। और साथ में जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली राजकीय विद्यालय इस्लामिया शमसुल होदा में जो 10 अंक स्नातक अधिभार दिया गया, उस संबंध में जो नियमावली बनी है उस नियमावली को भी हमने आज उच्च अधिकारियों को दिया, साथ में आवेदन भी दिए, अपर मुख्य सचिव के नाम से भी दिया, साथ में निदेशक और जो उच्च अधिकारी हैं उनके नाम से दिया और मुलाकात भी की। और मुलाकात के बाद ये हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं स्नातक अधिभार तो मिलने जा रहा है, पर वर्तमान में जो बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद नियमावली जारी होने वाली है, इस पर उच्च अधिकारियों ने अनभिज्ञता जताई और उनका कहना है कि कहां से आप लोग ऐसी खबरें सुन लेते हैं, वर्तमान में फरवरी में इस संबंध में बहाली आएगी, उसी समय नियमावली पर भी उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ निकल कर आएगा उससे थोड़ा पहले, पर कल के संबंध में उन्होंने साफ इनकार किया। और स्नातक अधिभार के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि सातवें चरण के विज्ञापन की जो बात करते हैं, पर कुछ लोग नियमावली के चक्कर में आपको फंसा रहे हैं, तो आप प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली देख लीजिए, हाईकोर्ट ने जो नियमावली 2021 है उसी को रोक दिया, अगस्त महीने में 21 में जो प्रकाशित हुई थी उसको रोकते हुए कहा कि पहले आप नियमावली से संबंध में जो एक सार्वजनिक तौर पर इस संबंध में राय मशवरा लीजिए, जो शिक्षक संघ है साथ में जो गणमान्य लोग हैं, और इसके बाद बैठक करने के बाद आमजनों से निर्णय के बाद आमजनों की राय के बाद तब आप 2 महीने के बाद इस नियमावली को प्रकाशित कीजिए। और फिर से ऐसा लगता है कि सीटेट बीटेट टेस्टेट अभ्यर्थियों की जो बड़ी मांग थी कि 10 और 8 साल का जो अनुभव बाध्यता उसको समाप्त करते हुए
प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में सीटेट बीटेट स्टेट को जो मौका देना चाहिए उस पर भी लगभग लगभग अब आगे कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जैसे ही नियमावली पर फिर से दोबारा बैठक होगी तो कुछ ना कुछ इस पर निकल कर आएगा। हालांकि शिक्षक संगठनों ने ये बड़ी बात कही कि नियमावली में 8 साल के अनुभव बाध्यता को समाप्त करना चाहिए। जब BPSC जैसे संस्थानों में परीक्षा के बाद ट्रेनिंग के बाद सीधे डायरेक्ट नियुक्ति होती है तो फिर शिक्षक बहाली में इस तरह का ये अबूझ पहली थी। और हाईकोर्ट ने भी इस पर केस के माध्यम से 1-2 महीने के लिए स्टे लगाया है। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली, जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टे है, तो प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली के नियमावली 2 महीने में आगे शिक्षक संघों की बैठक के बाद क्या निकल कर आता है ये भी देखना है। ऐसे में जो लोग स्नातक अधिभार, साथ में जो BPSC के द्वारा जो लिखा गया है कि स्नातक या PhD धारकों को और विभिन्न योग्यताधारियों को जो मिलेगा, उसमें कल हमने देखा कि कुछ ऐसे छबड़ी लोग हैं, यूट्यूबर चैनल चलाते हैं जिसमें गिंडा भी शामिल है, तो ऐसे लोग आप आम अभ्यर्थियों को भ्रम में डालते हैं। आप समझिए कि ये नेटा पूछने वाला गिंडा ये कहता है कि BA PhD होल्डर को मिलेगा। अरे मूर्ख, तुमको जब नियमावली ही पढ़ने नहीं आता है, नियमावली में साफ लिखा स्नातक या PhD, इसके अलावा विभिन्न योग्यता भी है, तो तुम लोगों के बीच में ऐसा भ्रम क्यों फैलाते हो? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता ऐसे गेंडा पांडा के लिए, पर समस्या ये है कि ये लोग सुपर टेट की बात करते हैं, बहाली फंसाने की बात करते हैं, तो ऐसे में बोलना पड़ता है। और आप समझिए जिसको 1-2 लाइन की नियमावली पढ़ने नहीं आती, समझने नहीं आती है, ये क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? तो ये भी बात है। BPSC के द्वारा जो 10 अंक अधिभार देने की बात आ रही है, उस लेटर को आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, साथ में हाईकोर्ट के जजमेंट को, साथ में आवेदन, और इन सबों को हमने उच्च अधिकारियों को दिया, वार्ता की, सभी बात समझाया कि सर स्नातक अधिभार मिलना चाहिए, ये हक है। इसके अलावा 7वें चरण के शेड्यूल के संबंध में हमने ये बात कही कि सर नियमावली 2020 जब प्रभाव से है और उस पर कोई केस मुकदमा नहीं है और कुछ भी उसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर 22 और 24 नियमावली ला कर उस पर केस मुकदमा करवाने से क्या फ़ायदा? सीधे तौर पर 20 नियमावली के आधार पर ही शिक्षक बहाली 7वां चरण का पूरा कीजिए, और ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड बहाली की जहाँ तक बात है, नियमावली 20 को आप ठीक से पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो झूठ मूठ का आप समझिए कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली में जिस तरह मसला फंसा है, उस तरह आपके 7वें चरण के शेड्यूल को फंसाने की साजिश है, और ऐसे गेंडा पांडा गेंडा आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग इसको फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद कहीं ना कहीं पदस्थापित है, आपके साथ वो मज़ा ले रहा है, रोज़ लाइव आ करके रात के अंधेरे में अपने काला सा चेहरा ला करके ऊपर से और नीचे से दोनों जगहों से भूलना। आप समझिए ऐसे लोगों की विश्वसनीयता क्या होगी, जो कह रहा था कि नियमावली पर कैबिनेट बैठक के बाद मुहर लग जाएगी, अभी अभी जब हमने वार्ता की तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा। तो सचिवालय शिक्षा विभाग से यही अपडेट था। ऐसे में रात्रि में जो लेटर हमने दिया है उसको भी विस्तृत रूप से हम आपको समझाएंगे लाइव आकर, अगर समय मिला तो। और ये वीडियो यहाँ सचिवालय शिक्षा विभाग से मैं आप आम अभ्यर्थियों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये सारी बड़ी बातें कही कि कल कैबिनेट से कोई मुहर नियमावली पर लगने नहीं जा रही, अभी समय लगेगा, साथ में 7वें चरण की बहाली फरवरी में, ऐसी बातें कही गई। हाँ, इस बीच में मैं कहूँगा कि NIOS DLED मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जब अब कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मौका दिया वहाँ के लोगों को, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे हुआ है, तो NIOS DLED अभ्यर्थियों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, उनको एग्जिट होने की आवश्यकता है। जब सरकार ने ही कोई डिग्री दी है तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए, पर हम क्या कह सकते हैं, आम अभ्यर्थी ही एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई DLED है, कोई BEd है, कोई 1 वर्षीय BEd है, कोई 2 वर्षीय BEd है, कोई STET है, कोई CTET BTET, आपस में लड़ना छोड़कर एकजुट होकर के एक मुहिम होना चाहिए कि जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी, पर यहाँ समझाए कौन, सब एक दूसरे से अपने स्वार्थ बस लड़ रहे हैं। आपसी लड़ाई को अगर छोड़कर आम अभ्यर्थी एकजुटता के साथ कोई भी कदम उठाते तो कहीं ना कहीं फल मिलता, पर वर्तमान में आपका आंदोलन या कुछ भी जो निष्क्रिय होता है, जो अप्रभावी होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप आम अभ्यर्थियों की आपसी लड़ाई है। तो आप ये कहेंगे कि सर आप गेंडा के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, आप भी तो एकजुट हो जाइए, पर देखिए गेंडा जैसा शख्स जिसने STET कदाचारयुक्त परीक्षा के नाम पर आपको ठगा, और इसके बाद मेरिट नॉट मेरिट के नाम पर ठगा, करीब करीब 15-20 लाख रुपए उसने कमाए और खुद की नौकरी सुरक्षित कर ली, और अब वो सुपर टेट की बात करता है, उसी ने पहले सबसे पहले नियमावली की बात की, कोई नियमावली की पर चर्चा पहले नहीं करता था, सभी कहते थे कि बहाली आ जाए तो हम भी विज्ञापन की बात करते थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इधर रोज लाइव आकर के लोगों को भड़मा रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं अब मैदान में जब वो उल्टा पुल्टा कर रहा है तो सत्य की लड़ाई के लिए किसी को तो साथ खड़ा होना होगा, सामने आना होगा, इसीलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ, और ऐसे लोगों से आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो अपना पेट पालते हैं चंदा के पैसे से, पूर्णिया में बैठ करके पौआ पीकर मस्ती में डूबा रहता है,
ये अपने आप को फर्जी अधिवक्ता और कई तरह के पदों से सुशोभित करता है, जो कि ये अगर ऐसा रहता तो पूर्णिया में जब स्कूल में पढ़ाता है 1 से 5 में, कई तरह के शिक्षक आपने देखे होंगे जो वीडियो बनाकर बताते कि आज हमने अपने क्लास में ये पढ़ाया। आज तक इतने दिनों से ये बहाल हो चुका है, ये अपने आप को कहता मैं मेंटर हूँ या मेंटल, तो मेंटर नहीं है, मेंटल है। कभी कोई वीडियो देखा है आपने इसके क्लास का? ये पहले पटना में अभ्यर्थियों को बड़गड़ाकर चंदा चोरी करता था, अब अंडा चोरी कर रहा है। इसीलिए बोलना पड़ता है, और आप आम अभ्यर्थियों को जागरूक करना शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप समझिए कि एसटीटी में यही गेंडा था जिसने कदाचार युक्त रिजल्ट मांगा था, और जो परीक्षा रद्द हुई, रिजल्ट कम हुआ। आज कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पक्की है। सोशल साइंस में भी जो 26,000 रिजल्ट थे, ये 48,000 रिजल्ट होता तब क्या सही होता, और ये गेंडा वही मांग रहा था। लेकिन हमने कहीं ना कहीं प्रयास करके परीक्षा रद्द करवाया, और आपकी ज़िंदगी बनाने की दिशा में हमने कार्य किया। आज शिक्षा विभाग से यही है कि कल कैबिनेट की बैठक में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा कि सामने कुछ आने वाला है, साफ इनकार किया गया है। आगे आप आम अभ्यर्थी जुड़े रहें, बने रहे शिक्षा सुधार के साथ। और ये भी कहूँगा कि ये जो वीडियो हम आप आम अभ्यर्थियों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको लाइक ज़रूर कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो, इसी नारे के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अंत में कहेंगे, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीए, डीएलएड, एमएड, पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप समझिए कि 10+2 की बहाली आने वाली है, और ऐसे में जो +2 में विभिन्न विषयों की जो बहाली होगी उसमें पीजी की डिग्री अनिवार्य होती है। अभी भी आपके पास वक्त है पीजी की में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले। अगले साल अगर वो आया, जिस तरह आपके आनंद किशोर बीएसपी के अध्यक्ष ने कहा है, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। इसलिए पीजी जरूर से ज़रूर कर ले। इसलिए मैं स्क्रीन पर एक नंबर भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो, इसी नारे के साथ। धन्यवाद।